नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी कस्टमर का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं इधर सन्ड्री एडाप्टर्स में डाल दिया, तो यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल इनका फिल करते हैं, जो भी इनका एड्रेस है सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं। इनका मोबाइल नंबर वगैरह भी डालना हो तो यहाँ पे मोर डिटेल्स में गए, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह भी सारा कुछ फिल कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कहीं भी कस्टमर का इमेज डालने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। अगर हम लोग चाहे कि इस कस्टमर का इमेज भी डाल के रख पाएँ, ताकि कभी भी कुछ भी उधारी वगैरह कौन लेके गया, कौन कस्टमर है, तो सारा डिटेल उसका यहाँ पे मेंटेन हो पाए, तो उसको कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपके जितने भी डेप्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो भी आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं, उसका इमेज भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखें और यहीं पे सामने में उसका इमेज भी ऐड कर दें, किस तरीके से काम करेगा। तो मैं आपको बहुत ही छोटी सी कोडिंग एक बताऊँगा। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो मैं अपने डेस्कटॉप में ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर फोटो करके, आप कुछ भी एक नाम लिख सकते हैं इस तरीके का। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट ले लेते हैं इस तरीके का, और यहाँ पे लिखते हैं हैश के साथ में पार्ट, उसके बाद कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे mstled initial इनिशियल, ठीक है, mstled इनिशियल करके। तो ये स्पेलिंग आपको सही सही लिखनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐड राइट पार्ट, इधर एक पार्ट ऐड कर रहे हैं हम लोग, राइट पार्ट ऐड करेंगे। तो किसके पहले ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं बिफोर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके पहले यहाँ पे ऐड हो जाए। यानी कि अपन कस्टमर का नाम लिखें तो यहीं पे उसकी इमेज भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे वही लिखेंगे बिफोर mstled op amts अमाउंट्स करके, तो mstled op amts कॉलन का चिन्ह अपने को लगाते जाना है। अब यहाँ पे दो पार्ट हम लोग ऐड करेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ LW पार्टी इमेज लिंक करके, और दूसरा लिख देते हैं LW पार्टी इमेज करके। तो एक तो अपन इमेज लिंक डालें तो दूसरा पार्टी का इमेज आ जाए। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ले लिया, दो पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब पहले पार्ट को यहाँ पे उठाते हैं, इसको कॉपी करना है, सेम जो नाम यहाँ पे लिखे हैं, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में डालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पार्ट, पेस्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इस पार्ट में हमें लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पे लाइन ऐड करेंगे, इधर लाइन में लिख देते हैं लिंक लाइन, ठीक है। तो आप कुछ भी इमेज लिंक लाइन ऐसा टाइप का कुछ भी लिख दीजिए, जिससे आपको समझ में आए किसके लिए आपने वो लाइन को यूज किया हुआ है। फिर यहाँ से ब्रैकेट लेंगे, और ये वाला जो लाइन का हमने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन, फिर इसको पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद इसमें दोस्तों लाइन में अपना फील्ड आता है, तो यहाँ फील्ड ऐड करेंगे। तो फील्ड में ले लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे एक और लिंक ऐड करेंगे LED इमेज लिंक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं, डिफरेंट नाम। अब उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे लोकल, फिर कॉलन चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे फील्ड, और इधर लिखेंगे शॉर्ट प्रॉम्प्ट इन्फो, इधर हेडिंग दे देते हैं अपना वहाँ पे कि इमेज लिंक यहाँ पे डालना है करके। तो इन्फो के बाद में आप यहाँ पे इमेज लिंक करके लिख सकते हैं, तो ऐसा डबल इंटेड कॉमा लिख देंगे इमेज लिंक, कॉमा क्लोज कर दें। और दूसरा वाला ये जो फील्ड है, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे फील्ड, पेस्ट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे दोस्तों हमें लिखना है यूज नेम फील्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमें स्टोरेज डाल देना है, स्टोरेज डालते हैं, और इधर स्टोरेज का नाम अपने को दे देना है, तो इधर लेजर इमेज कर देते हैं, लेजर इमेज रहने देते हैं, या इस तरीके से आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। और ये वाला जो हमने नाम दिया लेजर इमेज करके स्टोरेज वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम UDF
ये इसको ब्रैकेट में करना है, पेस्ट करते हैं लेजर इमेज को, और यहाँ पे स्ट्रिंग, इधर आप एक नंबर दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का एक नंबर डाल सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे लिया था वही इसी को हम लोग यहाँ पे स्टोरेज में शो कर रहे हैं ताकि अपना टैली में वो चीज़ सेव रहे, एक बार जो भी आप इमेज सेलेक्ट कर लें वो आपका टैली के अंदर सेव हो जाए, इसलिए अपन यहाँ पे स्टोरेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पार्ट की कहानी ये हो गई, जो अपन ये वाला लिंक वाला पार्ट डाले थे, तो लिंक वाले पार्ट के अंदर में यहाँ पे लाइन ऐड कर दिए, लाइन वाले पार्ट में इमेज इसका फील्ड ऐड किए, फील्ड के पार्ट में अपन स्टोरेज ऐड कर दिए। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट ये वाला, इसको कॉपी करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे फिर से लिखते हैं पार्ट, पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हमें लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन को एम्प्टी करेंगे, इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ भी एक आपको नाम देना है, तो मैं यहाँ पे अभी लर्न वेल इमेज करके नाम दे दे रहा हूँ। अब ये जो हमने नाम दिया दोस्तों लर्न वेल इमेज करके, इसको भी आपको कॉपी करना है और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट लेंगे और इधर RECSOURCE रिसोर्स करके इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इधर अपने को सोर्स लेना है दोस्तों, SOURCE, सोर्स में अपने को लेजर इमेज जो अपन यहाँ सिस्टम UDF लेके चल रहे हैं इसी को कॉपी करेंगे, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको अपने को डॉलर के साथ में लिखना है, तो यहाँ पे डॉलर भी लगा देंगे शुरू में और रिसोर्स टाइप, तो अपने को JPEG इमेज रखना है तो JPEG करके यहाँ पे रिसोर्स टाइप डाल देंगे। बाकी आप यहाँ पे इस पार्ट की हाइट विड्थ आपको जितनी रखनी है आप उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे विड्थ रख देते हैं, तो 20% स्क्रीन कर देते हैं इसको, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना कोड हो गया कंप्लीट, इतना ही था, इसको सेव करते हैं, एक बार टैली लोड करते हैं। तो मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर चलेंगे टैली प्राइम में हेल्प में, TDL एड ऑन, मैनेज लोकल TDL, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप। तो ये कस्टमर फोटो करके हमने क्रिएट किया था, इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेव करेंगे, इधर लोडेड करके आ रहा है, कोई एरर नहीं है TDL लोड होने में, स्पेलिंग अपन सही लिखे हैं तो एरर नहीं आएगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई लेजर क्रिएट करने के लिए, तो इधर मैं क्रिएट में लेजर में चले जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लिंक करके ये वाला ऑप्शन एक आ रहा है, तो मैं इधर पहले कस्टमर का नाम डालता हूँ। अब यहाँ पे इमेज लिंक पे मेरा कर्जर पहुँच जा रहा है, तो ये दिख तो रहा है छोटा सा ही लेकिन काम चल जाएगा, अगर इसको बड़ा करना है तो आप विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो कोड है अपना, ये वाला जो फील्ड का कोड है यहाँ पे स्टोरेज करके जो अपन ने लिखा हुआ है, तो इसमें आप या तो यूज कर लीजिए नेम फील्ड का तो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, नेम फील्ड लिखते हैं जैसे, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब वापस से एक बार TDL को लोड कर लेंगे, इधर हेल्प में गए, TDL एन एड ऑल, मैनेज लोकल TDL, वापस से इसको कंट्रोल ए करेंगे, सेव हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, लेजर में आ गए। अब आप देख सकते हैं इधर इमेज लिंक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इधर लिख देते हैं ABC इमेज लिंक डालने के लिए। अब आपके कंप्यूटर में जो भी फोल्डर है कस्टमर का, जहाँ पे भी आपने कस्टमर के इमेजेस को सेव करके रखा हुआ है, उस फोल्डर से आप पथ कॉपी करेंगे। तो अब दोस्तों जैसे मेरे पास में ये एक फाइल दिख रही है, JPG वाली फाइल है, JPG इमेज वाली, तो इसी को मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके प्रॉपर्टी में चले जाता हूँ और सिक्योरिटी में जाऊँगा, यहाँ पर मुझे इसका फाइल का पथ मिल जाएगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चलूँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा और इंटर करूँगा। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज ऐड हो चुका है। तो बाकी सारा डिटेल जो भी आपको यहाँ पे डालना है इसको आप डालेंगे और इसको सेव कर देंगे, तो ये सेव हो गया दोस्तों। अब जब भी आप चाहें कस्टमर का डिटेल आपको देखना है तो आप सीधा यहाँ पे अल्टर में चले जाएँ या चार्ट ऑफ अकाउंट में चले जाएँ, तो कहीं से भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट में भी जाके यहाँ से भी खोल सकते हैं डिटेल। तो अब जैसे संडी डेप्टर्स के अंदर मेरा ABC करके यहाँ बना हुआ है, तो अब जब भी मैं ABC को ओपन करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे मुझे दिखती रहेगी। तो इस तरीके से आप कस्टमर का कोई सा भी इमेज हो गया वो आप डाल सकते हैं लेजर के अंदर में,
और भी अगर आपको आधार नंबर वगैरह भी ऐड करने हैं इसमें, बाकी अलग कुछ डिटेल्स ऐड करने हैं खुद के, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो इसके थ्रू आप बाकी डिटेल भी ऐड कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू।